हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मेरा भारत महान। लेकिन फिर भी क्यों है संदेह तमाम, इंडियन ब्रांड्स की बात ही है निराली। और लो आ गया गौरव आज लेकर एक नई कहानी। और प्रणाम करो स्वीकार, आफ्टर ऑल हम सब हैं बस सिर्फ एक ही परिवार। कभी साथ बैठ के पियो सीसीडी में कॉफी। रॉयल एनफील्ड चलाना है हम इंडियंस की सबसे फेवरेट हॉबी। टीवी हो तो सिर्फ ओनिडा का, लावतों का मेला लाओ पालासा। लुई फिलिप का हो डेनिम वेयर, ओल्ड मॉन्क का नशा छा जाए एवरीवेयर। लैक्मे की लिपस्टिक से होठों को सजाना, ब्रिटानिया की बिस्किट से भूख को है मिटाना। सो स्वागत है भाइयों आज के तरोताजा एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स के बारे में जो विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आपको तो ये भी नहीं पता कि ये ब्रांड्स इंडियन हैं। सो करके स्वदेशी मेक इन इंडिया को सलाम। लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 8 इंडियन ब्रांड्स दैट आर रूलिंग द वर्ल्ड। नंबर वन, कैफे कॉफी डे। अब भाई और बहनों, जब बात आती है प्यार, इश्क और मोहब्बत की, तो याद आती है सबसे पहले कॉफी की, कि अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, है ना। और कुछ वर्कहोलिक लोग जैसे मैं, हमें तो कॉफी से ही प्यार होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा कट्टा कहाँ है। और इसीलिए गौरव आज सुनाएगा कॉफी की कहानी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हिल्स पर बसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, चिकामगलूर लाजवाब कॉफी बीन्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, एन इंडियन ओरिजिन वर्ल्ड फेमस कैफे कॉफी डे की कॉफी बीन्स चिकामगलूरू की पहाड़ियों के 20,000 एकड़ जमीन, मेरा मतलब है पहाड़ पर उगाई जाती है। अरेबिका के नाम से वर्ल्ड फेमस ये कॉफी बीन्स सबसे ज्यादा एशिया में इसी चिकामगलूर बीजी सिद्धार्था को द किंग ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कॉफी एम्पायर के नाम से जाना जाता है। July 11, 1996 में बीजी सिद्धार्था ने सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे का फर्स्ट आउटलेट ब्रिगेड रोड बैंगलोर कर्नाटका में ओपन किया। इस आउटलेट की टैगलाइन थी अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। और 2019 के अंत तक संपूर्ण भारत वर्ष में सीसीडी की टोटल 1752 कैफे आउटलेट्स अपना जादू इंडिया के 243 शहरों में चला चुकी थी। लेकिन यह जादू सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा था, अपनी नन्ही नन्ही कॉफी बीन्स और ऑसम टैगलाइन से सबका दिल जीत के रखा था। आयरोनिकली कैफे कॉफी डे हैड सर्व्ड 1.6 बिलियन कप्स ऑफ कॉफी एनुअली इन दिस 6 कंट्रीज। वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी पर आधारित ये कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी के लिए बेहद बेमिसाल है। अपना सारा काम ये कंपनी खुद करती है, जैसे ओनिंग प्लांटेशन, ग्रोइंग कॉफी, रोस्टिंग ऑफ कॉफी, मेकिंग कॉफी मशीन्स, और यहां तक कि अपने आउटलेट्स का फर्नीचर भी खुद बनाती है। और इंडस्ट्रीज की भाषा में इसे ही कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। और इसी आत्मनिर्भर स्पिरिट से ये कंपनी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गई। बेसिकली इस कंपनी ने कॉफी पीने के बहाने को एक रीजन में कन्वर्ट कर दिया। कपल्स के लिए इट वाज लाइक दुनिया के भीड़ में एक छोटा सा कोना जिसमें रहूं मैं और साथ में मेरा साजन सोना। फिर चाहे वो हो शादी.com वाली कोई डेट या ऑफिस के टेंशन से चाहिए थोड़ा ब्रेक, सीसीडी से बेहतर ना ही होगी कोई और स्पेस। खेलो चेस और देखो इंटरनेशनल हॉर्स रेस। क्लासी फर्नीचर, हाई स्टैंडर्ड, ग्रेट लुक्स वाली ये दुकान सर्व सैंडविच, रैप, पेस्ट्रीज जैसे अनेको जलपान। जस्ट ऑर्डर ए लाटे, एस्प्रेसो, फ्रेंच रोस्ट या चिकरी, बिकॉज एज यू नो अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। नंबर टू, रॉयल एनफील्ड। फ्रेंड्स, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। If you never ride a bullet, you would never be royal. After all, only royalty can understand the comfort of royalty. Duk 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 wali Royal Enfield ka nirman 1901 mein Chennai mein hua. Aur is motorcycle ke hazaron exciting features hai. Jaise high power engine, 28 nanometer ka massive torque, 2 channel abs, powerful headlight, electric start, excellent mileage, heavy weight and a huge price. Ab ye bike bani to India mein, lekin iski demand foreign countries mein bhi bahut zyada hai. Royal Enfield sells motorcycles in currently more than 50 countries. Can you believe it? 2015 global sales report ke anusar Royal Enfield ne Harley Davidson ko bhi surpass kar diya. Harley Davidson, can you imagine that? Motorcycles ki duniya mein Royal Enfield ki bahut sari varieties hai, like Bullet, Classic, Thunderbird, Himalayan Interceptor, 650 and Continental. It's like more options, better choices. Iski ye sari exotic features logo ko apni or akarshit karti hai. Aur wo kehte hai na, jab Royal Enfield chale तो दुनिया रास्ता देती है।
So friends, आगे बढ़ने से पहले आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत ही ट्रेंड छाया है, लेकिन बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना मतलब खुद का घाटा करवाना। लेकिन वरी नॉट फ्रेंड, मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है विद ओवर 10 लाख कस्टमर्स एंड 30 इयर्स एक्सपीरियंस। आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी प्रोवाइड करता है, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से शेयर्स खरीदना है और कौन से बेचना है विद डेली वीकली एंड मंथली इन डेप्थ रिपोर्ट्स। इसके अलावा आपको 230 प्लस कंपनीज के 30,000 प्लस रिसर्च रिपोर्ट्स भी मिलेंगे। और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप में तो एड्यूमो, जो कि एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस और यूएस मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सब इंक्लूडेड है। तो बस जल्दी आओ और इंस्टॉल कर लो ऐप, क्योंकि 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 ब्रोकरेज कैशबैक आपका इंतजार कर रहा है। ये एक सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, ओनिडा। अब भाइयों, आज भी जब फेवरेट चैनल की बात आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं, दूरदर्शन। और जब बात आती है फेवरेट टीवी कंपनी की तो पूरा बुजुर्ग परिवार हमेशा ओनिडा का ही नाम लेता है। ये ब्रांड जितना पुराना है उतना ही पसंदीदा भी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नाम से ओनिडा तो कोई चाइनीज या जापानीज कंपनी लगती है, राइट? मैं खुद भी यही सोचता था, बट ये प्रोडक्ट शत प्रतिशत हिंदुस्तानी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, 1981 में मर्क इलेक्ट्रॉनिक नाम की एक कंपनी ने ओनिडा ब्रांड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इस ब्रांड का आविष्कार जीएल मीर चंदानी और विजय मनसुकानी ने किया था, और भारत में कुछ ही सालों के अंदर में ओनिडा हर घर की कहानी हो गई। लेकिन ये ब्रांड बहुत सारी गल्फ कंट्रीज जैसे रशिया, यूक्रेन और केन्या में भी बेहद लोकप्रिय है, और आज की तारीख में ओनिडा की करंट इनकम लगभग $210 मिलियन है। और ओनिडा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जैसे LCD टीवीज, प्लाज्मा टीवीज, टेलीविजन, DVDs एंड होम थिएटर सिस्टम्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, LED टीवीज, LCD मॉनिटर्स एंड स्मार्टफोन। इधर लिख लो कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। गला दुखने लग गया, राइट? वेल, शायद ओनिडा के कंपेटिटर्स को जलन काफी ज्यादा होती रहेगी। जलन के लिए बर्नॉल है, क्योंकि ओनिडा का टैगलाइन ही है नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। नंबर 4, ला ओपाला। का हो बबुआ, कोनो गलत फहमी में नहीं रहना, जब ओपाला है ना। ला ओपाला कंपनी को इटली फिटली देश का नहीं है, ये तो शत प्रतिशत इंडिया का है बबुआ। जाओ अपने फिरंगी मित्रों से पूछ लियो कि कौन से कंपनी के थाली में वो खाना खाते हैं। लाओपाला इज अ प्योर इंडियन ब्रांड जो पूरे वर्ल्ड में अपने क्रॉकरी आइटम्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसकी फैक्ट्री झारखंड के एक छोटे से शहर मधुपुर में है, और 11 जून 1987 में कोलकाता में लाओपाला ग्लास लिमिटेड का निर्माण हुआ था। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर थे मिस्टर सुशील झुंझुनवाला और उनके बेटे अजीत झुंझुनवाला। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हर टाइप की ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स लाइक Opalware Diva, Iris, Mysterio Black, Purple Haze, English Lavender, Tulip Passion, Bone China, etc. etc. इस ब्रांड की 100 से भी अधिक किस्म की वैरायटी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लाओपाला डिनर वेयर की सबसे अहम खासियत यह है कि ये स्टेन रेजिस्टेंट, नॉन पोरस, नॉन टॉक्सिक और ड्यूरेबल, यानी वर्सेटाइल फॉर एवरीडे यूज है। लाओपाला इज ट्रूली अ फाइन आर्ट ऑफ डाइनिंग। नंबर 5, लुई फिलिप। भाइयों, फैशन वर्ल्ड की द कूलेस्ट टैगलाइन है द अपर क्रेस्ट, एंड दिस टैगलाइन बिलोंग्स टू अ ब्रांड नेम्ड लुई फिलिप। हॉलीवुड के हॉटेस्ट एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन है लुई फिलिप के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हियर कम्स द कहानी में एक नया ट्विस्ट। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ रॉबर्ट पैटिनसन ही एक विदेशी है, बाकी सब स्वदेशी है मां कसम। अब नाम में क्या रखा है, लुई फिलिप एक भारतीय ब्रांड है जो आदित्य बिरला ग्रुप की एक शाखा है। मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ने साल 1989 में एक मेंस अपैरल बेस्ड इन प्रीमियम ब्रांड लुई फिलिप का निर्माण किया। फ्रांस के आखिरी राजा के नाम से प्रभावित इस ब्रांड का नाम लुई फिलिप रखा गया, और द लेबल एक ऑनलाइन फैशन एंड लाइफस्टाइल मैगजीन है फॉर मेन बाय लुई फिलिप। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ मोर देन $150 मिलियन। अब LP के हजारों एक्साइटिंग और कूल फीचर्स है जैसे प्रीमियम हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज, फैब्रिक्स, एलिगेंस एंड क्राफ्टमैनशिप अपैरल, और यहाँ तक की फुटवेयर एक्सेसरीज भी। LP हैज enormous range of products for its customers. और लुई फिलिप के सब ब्रांड्स है LP mainline formals, LP luxury, LP sports, LP jeans, which is a collection of denim jeans. और वैसे अगर आप मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो मुझे भी लुई फिलिप का डेनिम कलेक्शन ही गिफ्ट करना। नंबर 6, ओल्ड मॉन्क। ओल्ड
मॉन्क नाम से विदेशी लगने वाला ये ब्रांड असल में भारत का ही है। ये ब्रांड दुनिया की सबसे लोकप्रिय ब्लैक रम बनाने वाले ब्रांड में से एक है। साल 2013 तक पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बिकने वाले ब्रांड में से एक था। इनफैक्ट नंबर वन मोहन मिकिन लिमिटेड ने वर्ष 1954 में इस रम का आविष्कार किया और इसे खरीदने वाले ग्राहक अलग अलग देश में बटे हुए हैं। ओल्ड मॉन्क प्रोडक्ट की डिमांड विश्व के महान महान देशों में भी कूट कूट के भरी है, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड मेनी मेनी मोर। नंबर 7 लैक्मे। अर्ज किया है खुद को इतना सवारना है सनम के लिए कि वो हमारे हो जाए हर जन्म के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। आत्मनिर्भर भारत और वो कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। लेकिन आप ये यकीन नहीं करोगे कि लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इन्वेंटर एक औरत नहीं बल्कि एक पुरुष है। और मैं तो कहूँ ये पुरुष ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक महापुरुष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक्चुअली बात ये है कि आजादी के बाद भारतीय महिलाएं फॉरेन के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज कर रही थी। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त भारत के पास अपना खुद का कोई ब्यूटी ब्रांड नहीं था। और इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस समय भारी देश से आए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय महिला बहुत सारी विदेशी मुद्राएं खर्च कर रही थी और यह प्रॉब्लम फिर नेहरू जी को बहुत सताया जा रहा था। और फिर जेआरडी टाटा ने नेहरू जी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका बताया। उन्होंने खुद स्पेशल नेहरू जी के कहने पर एक बेमिसाल ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का निर्णय लिया। लैक्मे एकमात्र ऐसा भारतीय प्रोडक्ट है जो किसी राजनेता की रिक्वेस्ट पर डिजाइन किया गया। और 1952 में टाटा ऑयल मिल टॉमको ने 100% सब्सिडियरी कंपनी लैक्मे लेवर का इन्वेंशन किया और 63 इयर्स की कड़ी मेहनत के साथ लैक्मे आज ग्लैमर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। अब इमेजिन नहीं करोगे लेकिन लैक्मे का आज मार्केट शेयर 36% से भी ज्यादा है। और इन 1996 टाटा सोल्ड ऑफ देयर स्टेक्स इन लैक्मे लिवर टू हिंदुस्तान यूनिलिवर फॉर समथिंग लाइक 200 करोड़ रुपीस एट दैट टाइम। और आज की बात करें तो बॉलीवुड की करीना कपूर लैक्मे की ब्रांड एम्बेसडर है। नंबर 8 ब्रिटानिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबका मनपसंद ब्रिटानिया का सनफीस्ट। देखो सनफीस्ट ड्रीम क्रीम का जादू। आज घर घर में रहने वाला ब्रिटानिया ईट हेल्दी थिंक बेटर टैगलाइन वाली ये कंपनी इंडिया की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। साल 1892 में कोलकाता के एक छोटे से शहर में ब्रिटानिया का निर्माण हुआ। सन 1897 में गुप्ता ब्रदर्स और वीके ब्रदर्स ने सिर्फ 265 रुपए में इस कंपनी को एक्वायर किया और 2014 तक ब्रिटानिया ब्रिटेन की एक कंपनी पीक फ्रेन की एक सब्सिडियरी कंपनी बनकर रह गई। वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटानिया ने ब्रिटिश आर्मी को बिस्कुट सप्लाई किया जिसकी वजह से ब्रिटानिया बिस्किट और भी हाई डिमांड में आने लग गया। गांव का हर बच्चा जानता है कि गब्बर के असली पसंद क्या है, असली चीज समझे, असली ग्लूकोज से भरपूर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी। और 1978 शेयर प्राइस रिपोर्ट के अनुसार 62% ऑफ शेयर्स तो इंडियंस ने ही परचेज कर लिया था और बाकी का 38% सिर्फ नॉन इंडियंस के घर पर था। एंड नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द वाडिया ग्रुप हेडेड बाय नुस्ली वाडिया। दुनिया के 60 देशों में ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एनियास बिस्किट्स इंक्लूडिंग वीटा मारिगो, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, गुड डे, 50-50, ट्रीट, प्योर मैजिक, मिल्क बिक्कीज, बोर्बन, नाइस टाइम एंड लिटिल हार्ट्स अमंग अदर्स। इसके सिवाय ब्रिटानिया मिल्क प्रोडक्ट्स भी है जो बहुत ज्यादा यम्मी और डिलीशियस होते हैं, एज यू ऑल नो इट। सो चलो भाई और चलते हैं कैसे भारत के तरफ जहाँ पर स्वदेशी ही विज्ञान हो, मॉल से बेहतर पड़ोस की दुकान हो, हर प्रोडक्ट में देसी महक विद्यमान हो, जिसकी लोकल धरोहर का जगत में गुणगान हो। विद दैट सेड मेक इन इंडिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर आपके दिल में भारतीय कंपनीज के प्रति एक अलग ही जज्बा उमड़ आया। क्या आप जानते थे इन कंपनीज के बारे में और जानते थे कि ये इंडियन है? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो, क्योंकि मैं तो भाई नहीं जानता था सीरियसली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल गेट सिंपलीफाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।